अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। तो मेरे बच्चों तो स्कूल नहीं गए, तो इसके वजह से उन लोगों को खाना है आलू का पराठा, तो इसलिए वो आलू का पराठा बना रही हूँ। सारे रेडी कर चुकी हूँ, सिर्फ बना के रखा है। मैं रोटियाँ बना रही हूँ, बना के फिर मैं बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो आके ही लौकी छीलने लगे। तो उस दिन गाँव से लेके आए थे लौकी, जो मतलब इस्तेमा में गए थे ना, तो उस दिन लौकी लेके आए थे, वही आज मतलब छिल रहे आके। और मछली भी लेके आए, तो उन सब से मतलब बनाऊंगी मैं आज लौकी, तो वही अभी छिल रहे हैं और मैं ये रोटियां बना रही हूँ। देखिए हाथ कट के क्या हो गया। तो अभी मतलब सब्जी वगैरह काट रहे थे, तो ऐसा ही करते हैं। आज का ये नहीं है, और भी मतलब आगे भी ऐसा हो चुका है। अच्छे से देख के नहीं काटने से ऐसा ही होता है। देखिए कैसा खून गिर रहा है, मतलब पूरा हड्डी में लग गया। अभी खून रुक ही नहीं रहा है। डेटॉल वगैरह लगा दिया मैंने, और अभी कोलगेट लगाऊंगी। अभी कोई से कुछ भी नहीं है। अगर खून रुकना चाहिए तो कोलगेट लगाना है। कोलगेट लगाने से खून रुक जाता है, तो अभी तो कोलगेट ही है, तो वही कोलगेट लगा रही हूँ। तो देखते हैं, अभी मैं पट्टी वगैरह कर लेती हूँ, क्या होता है देखती हूँ। तो अभी कर रही हूँ, लेकिन खून ही नहीं रुक रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मेरा पराठा भी जलने ही वाला था, मैंने तो यहाँ पे ध्यान देके मैं पराठा ही भूल गई, बना रही थी वो। तो देखते हैं, अभी मैं बंडेट वगैरह कर लेती हूँ, बाद में देखती हूँ खून रुकता है नहीं रुकता है कि नहीं। वो देखिए खून रुक ही नहीं रहा है, खून गिर ही रहा है। वो देखिए खून गिर ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैं अभी फिर से कोलगेट लगा रही हूँ, फिर से लगा के एक रुई देके मैं उसको कपड़ा से बांध रही हूँ। देखते हैं खून रुकता है कि नहीं। तो अभी बांध दूँगी, बस हो गया। अभी इसको ये कपड़ा निकल रहा है, उसको भी मैं काट दूँगी कैंची से। तो इन लोग अभी खा रहे हैं, मैं भी आज आलू का पराठा ही खाऊंगी, क्योंकि और कुछ बनाने के अब टाइम नहीं है, तो वही खा लूँगी आलू का पराठा। मेरे हस्बैंड भी अभी आलू का पराठा ही खाएंगे, आज फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएंगे। तो ये देखिए लौकी, तो ये काटने गए थे, तो इसका देखिए ये है खून। देखिए कितना खून लगा है, ये खून का मतलब काट के भी वो मतलब खून निकल रहा है, फिर भी वो काट रहे हैं लौकी, तो पूरा खून लग गया। ये अच्छे से धोना पड़ेगा। और ये फिश लाए थे, होल फिश, और वो मैंने दाल भिगो के रखा था, तो मैंने उड़द दाल को भिगो के रखा था, वही बनाऊंगी वो भी। तो अभी मुझे मतलब अभी मुझे बाहर जाना है, थोड़ा मुझे कपड़ा को ना मतलब टाइट करवाना है, तो अभी दूंगी तो आज देंगे, क्योंकि मुझे चाहिए वो कपड़ा। तो मैंने कब से टाइट करूँगी और करूँगी बोल के होता ही नहीं, मतलब जाना मैं भूल जाती हूँ। तो अभी वो भी लेके जाऊंगी, और मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है, तो इसके लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊंगी, तो वही चलती हूँ आके ये सब करूंगी। अभी नहीं करूंगी, अभी वहाँ से होके आती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ना मतलब घर में गई थी, लेकिन वहाँ से फिर दूसरी जगह आ गई, क्योंकि मुझे कपड़े सिलाने का कोई मिला नहीं। टेलर भी चला गया घर पे, गांव में चला गया, तो मिला नहीं। तो अभी देखिए मैं कहाँ पे आई हूँ, ये देखिए। एक दिन आई थी, पता है आप लोगों को, उन लोगों के घर, मेरे जो छोटी बेटी है उसके फ्रेंड्स के घर। तो उन लोगों का देखिए, ये देखिए बरई का पैर, इतना अच्छा लग रहा है ये बरई का, मतलब मैं तोड़ रही हूँ। देखिए ये मैंने तोड़ भी लिया, देखिए इतने सारे तोड़ भी लिए मैंने, इतना अच्छा लग रहा है खाने में। मतलब इतना बड़े लेके आते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इनका ज़मीन बहुत बड़ा है, बहुत ने मतलब ये बहुत से पेड़ पौधे भी लगाए हैं। देखिए हरियाली हरियाली, देखिए। तो मैं देने के लिए आई थी, कपड़े सिलाते हैं इनकी अम्मा, तो मैं उन लोगों के घर पर कपड़े देने के लिए आई थी, तो बड़ा ही मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा अभी तोड़ ही लेती हूँ, वो भी नीचे पूरा गिर रहा है, पर पक गया है। लेकिन खाने में टेस्ट होना चाहिए, बरई का ना खाने में टेस्ट होने से अच्छा लगता है। तो वही अभी तो रही, थोड़ा बहुत लेके जाऊंगी। तो देखिए ये जो मैं सिलाई करने आई हूँ, वो मतलब सुपारी तोड़ रही है। तो मैं आ रही थी तब नारियल भी तोड़ रही थी,
सुपारी भी मतलब तो रही है, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, हरियाली हरियाली चारों तरफ। हम लोग तो रेन पे रहते हैं तो ये सब तो देखना ही नहीं होता, अच्छा लगता है ये सब देख के। और घर का मतलब किसी भी कोई भी चीज़ अगर घर में मतलब पेड़ पौधा लगा हो वो तोड़ के खाऊं वो तो और भी अच्छा लगता है। तो वही देख रही थी मैं, तोड़ रही है ऊपर से पूरा, वो देखे गिर रहा है। और नारियल भी बहुत बड़े बड़े हो गए, तो ये देखिए ये वाला पेड़ से मैंने मतलब ये तोड़ा था, बड़ा ही तोड़ा था। और दूसरा वाला यहाँ पे तीन पेड़ है, तो ये वाला एक पेड़ है, यहाँ पे भी बहुत पक रहा है, लेकिन ये बहुत ऊपर है, वो थोड़ा नीचे में था, ये थोड़ा ऊपर है, और ये थोड़ा नीचे में जो है वो मतलब कच्चा है, तो इसलिए मैंने सोचा इससे नहीं लूँगी। और ये बहुत मतलब पके नहीं, जो पके थे वो ले गए सब लोग, तो इसलिए मैं इससे नहीं तोड़ूँगी। तो बहुत अच्छा लगा है, ये देखिए पूरा चारों तरफ खाली पेड़ पौधे लगे। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर का खाना मतलब बना लिया था मैंने, जो लौकी दिखाया था आप लोगों को सुबह को, तो वही अभी मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आते आते लेट हो गया, काम से चले गए थे। मैं वहाँ से आके देखा कि नहीं है, सामान मिला तो उन लोग चले गए थे, तो अभी आए, तो इसलिए आज लेट हो गया। अभी मैं भी नहा के आई हूँ, अभी खाना खा रही हूँ। ये देखिए सब लोग खाना खा चुके हैं, और ये देखिए आप लोगों को तो दिखाया था जो पहले वीडियो था, जो उसमें देख लीजिएगा मैं लौकी कैसे बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया, टाइम भी नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, तो इसलिए। तो अभी सब लोग खाते उठ चुके हैं, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ, मैं खा रही हूँ, तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के टाइम है, मैं तो आप लोगों को पता ही है शाम के तक मैं आप लोगों के पास कभी नहीं आती हूँ, तो मेरा मतलब जाने का तो कोई प्लानिंग नहीं था, फिर से हम लोग उड़ जा रहे हैं। बच्चे लोग अभी उन लोगों को भी घर में खाना नहीं खाना, बाहर खाना है, और उन लोगों को थोड़ा घूमना है, कल अच्छे से घूम नहीं पाए, तो सोचे कि हम लोग आज निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, उन लोग को पढ़ाया, क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:20, और हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो अभी निकल रहे हैं क्योंकि लेट से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना, उन लोगों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, उन लोगों को पढ़ा के फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए बच्चे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ, अगर शूट करना अगर मैं कर पाती हूँ तो कर लूँगी, नहीं कर पाती हूँ तो सॉरी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। देखिए हम लोग का घूमना उमना तो हो गया, अभी ये लोग खा रहे हैं पुलाव, खाना है हम लोग पुलाव और गोश्त, देखिए खा रहे हैं, और मैं ये देखिए क्या खा रही हूँ, पूड़ी और हलवा मैंने खरीद लिया है, और खाने का दिल कर रहा था, आप लोगों को पता ही है मैं ये सब खाती नहीं हूँ, फिर भी सब लोग ना ले रहे हैं, इतना अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे से खा लेते, अच्छा लगा, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत ऑयली है, क्या करें, कल और ग्रीन भी खा पीऊँगी। चलिए हम लोग खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, मतलब आते आते 9:30 अभी बज रहा है, 10:30, तो 10:30 नहीं बजा, 10:20 हो गया, तो 9:30 हम लोग आके पहुँचे थे। तो आके उन लोगों ने तो खा ही लिया था बच्चों ने, और मैंने थोड़ा सा आके खाना खाया बस। तो आज मतलब क्या हो गया, आज खिचड़ी नहीं दे रहे, लास्ट दिन मतलब कल लास्ट दिन है, तो कल खिचड़ी देंगे, तो थोड़ा सा खाना बनाया, और जो बॉयल था फिश का बॉयल था जो सुबह को बनाया था वो बॉयल था, इसी से खा लिया, और कुछ बनाया नहीं, लेट हो चुका था, तो अभी और क्या बनाएंगे, तो ऐसे ही हस्बैंड ने भी ऐसे ही खा लिया। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, तो आज मतलब कुछ दिखाया नहीं, आज तो और भी भीड़ है, मतलब इतना भीड़ था आज तो, मतलब चलने का ही जगह नहीं है, गए फिर भी तो क्या करेंगे, अभी बच्चों लोगों को जाना है, तो वहाँ पर जाके बस उन लोगों को खिलाया, वही पूरा घूम के थोड़ा सा मतलब आ गया। तो अभी चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।